हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं सपने में जॉब देखना या नौकरी लग चुकी है उस सपने का क्या मतलब होता है? सरकारी या प्राइवेट नौकरी लग गई हो तो इसका निकट भविष्य में क्या मतलब हो सकता है? आपको जीवन में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है? क्या यह आपके लिए शुभ सपना होगा या अशुभ? तो आज आप इस वीडियो में जान पाएंगे कि आपका सपने में नौकरी लगना और सपने में नौकरी छूटना, इन दोनों के मतलब बताया जाएगा दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सपने में नौकरी लगना। स्वप्न विज्ञान एवं स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में नौकरी मिलना या लगना एक बहुत ही अच्छा स्वप्न होता है। यह एक सकारात्मक सपना माना जाता है दोस्तों। यह इस ओर भी संकेत करता है कि निकट भविष्य में आने वाले समय में आपको आपके किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है एवं आपके कार्य की सराहना भी होगी। यह सपना लेडीज या फिर जेंट्स दोनों के लिए शुभ सपना माना जाता है। अगर आपने ऐसा स्वप्न देखा है तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका आने वाला निकट भविष्य बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं सपने में नौकरी छूटने का क्या मतलब है। अगर यदि कोई लेडीज या जेंट्स अपने सपने में ये देखता है कि उसकी नौकरी छूट गई है, नौकरी छूटने वाली है या छूट गई है, या फिर वह नौकरी पर गया और वहाँ ऑफिस में उसके सीनियर ने उसे नौकरी से निकाल दिया है, तो दोस्तों यह एक अच्छा सपना नहीं है। यह बहुत ही अशुभ सपना माना जाता है। यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में परेशानियां बढ़ने वाली है। ऐसा सपना आने पर आप सावधान हो जाइए, चौकन्ने रहे। इस सपने के बारे में अपने मित्रों से बताएं और भगवान से प्रे करें ताकि ऐसी विपदा आने से पहले ही आपके टल जाए। इस टाइप के सपने आते हैं तो आपको जरूर अपने फ्रेंड सर्किल में बताना चाहिए दोस्तों, या अपने फैमिली में बताना चाहिए। बताने से काफ़ी बार ऐसे होते हैं कि जो खराब सपने आते हैं वो बाधाएं टल जाती है, इसलिए आपको ये ज़रूर बताना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा, और जो पीछे की वीडियो बनाए गए उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।